हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है अंजलि और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 10 बजे से। आज का मौसम कुछ इस तरह सुहावना सा हो रखा है, आज बादल है चारों तरफ और ऐसे मौसम में चाय और बिस्किट अलग ही मज़ा है। सो आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था तो मैंने चाय बना ली अपने लिए और साथ में ये बिस्किट है। मुझे कहीं जाना था तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया तो आज मैंने चाय और बिस्किट से ही काम चला लिया। ये मैं चाय और बिस्किट एंजॉय कर रही हूँ। कर रही हूँ अपने, ये मैं जा रही हूँ रिकॉर्ड करते हुए जा रही हूँ। मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि आगे देखना पड़ता है। मस्ती करते हुए आ रहे हैं, साथ साथ में मैं वीडियो भी ले रही थी। मेरी बेटी उसके बाद मैं आ गई घर। उसके बाद मुझे बनाने पड़ी रोटी क्योंकि मुझे भूख लग गई थी क्योंकि मैं चाय बिस्किट खा के गई थी तो मैंने अपने लिए रोटी बनाई। मैं रोटी का वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे अपने स्टाइल में बनाती हूँ। मैं सबसे पहले रोटी को एक साइड से हल्के बबल्स आने तक पकाती हूँ, उसके बाद पलट के मैं दूसरी साइड पूरा पकने का वेट करती हूँ। अब देखिए मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि रोटी अच्छे से पका है कि नहीं। जब ये अच्छे से पक जाता है उसके बाद ही मैं उसको पलटती हूँ, इसलिए मैं उसको बार बार चेक कर रही हूँ कि अच्छे से पका है कि नहीं। अच्छे से एक बार पक जाएगा तब उसको फूलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ये अच्छे से फूल के रोटी बनेगा और मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। मैं रोटी कपड़े से नहीं, रोटी से बनाती हूँ। मुझे रोटी से बनाना बहुत ईजी लगता है। देखिए मैं कितने ईजी से तरीके से रोटी के ऊपर रख के अच्छे से फुला ले रही हूँ। मुझे बहुत ही ईजी लगता है और बहुत यूनिक भी लगता है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए कितने आसानी से रोटी बन के रेडी हो गया, कोई कपड़ा का यूज़ नहीं हुआ। और ये मेरे पास बचा हुआ था बहुत सारा मलाई तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा घी ही निकाल लिया जाए क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई में, कोई भी बर्तन पे आप ले सकते हैं, कढ़ाई का ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लिया है नॉनस्टिक जो कि काफ़ी ख़राब हो चुका है यूज़ के बाद, पर उससे भी काम चल जाएगा। एक बर्तन में मैंने ले लिया, उसको डाल के अच्छे से मैंने मिक्स किया। पहले मिक्स करने के बाद आपको उसमें कुछ नहीं करना होता, बस मिक्स करते रहना होता है। जितना आप मिक्स कीजिएगा उतना वो चिपकेगा नहीं और इजीली वो मेल्ट होता जाएगा। जो मलाई से ऑयल है, जो घी है, वो निकलने लगेगा। देख सकते हैं आप कैसे ऑयल आ रहा है। जब वो अच्छे से पक जाएगा तो खुद घी छोड़ देगा। और ये घी बनाने का बहुत ही इजी तरीका है, आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें, सिर्फ इसको चलाते रहना है। चलाने से होगा कि इसमें लटकेगा नहीं, जलेगा नहीं, बस इसको बस प्रोटेक्ट करना है, जलने नहीं देना है, इसको अच्छे से पकाना है। देखिए अच्छे से ये चिपक रहा है, उसको हटाते हुए हमें अच्छे से बस पकाना है। एक बार ये अच्छे से पक जाएगा तो हमारा होममेड घी बन के रेडी है। देखिए मैं इसको अच्छे से हटा रही हूँ, निकाल रही हूँ जो चिपक रहा है उसको, साइड साइड से बिल्कुल भी चिपकने नहीं देना है इसको। इसको चलाएंगे, जितना चलाएंगे उतने अच्छे से ये पकेगा और घी उतनी अच्छे से निकल जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, इसको अच्छे से चला लेना। अच्छे से चलाने के बाद हम देखेंगे इसमें अच्छे से
घी जैसे जैसे ये पूरा ब्राउन होते जाएगा, घी पूरा निकल जाएगा, हमें पूरा ब्राउन करना है इसको, एक भी वाइट नहीं दिखना चाहिए, जो क्रीमी टेक्सचर दिख रहा है क्रीमी क्रीमी वो सारा ब्राउन हो जाना चाहिए। जब ये ब्राउन हो जाएगा तब हम इसको ऑफ कर देंगे, तो तब तक ब्राउन नहीं होता तब तक हमको इसी तरह चलाते रहना है। चलाते देखिएगा कि एक साइड अलग घी सारा अलग हो जाएगा उससे, उसमें एक भी घी नहीं बचेगा। देखिए आप देख सकते हैं कि कैसे घी साइड हो चुका है, घी हमको मिल चुका है, वो कंप्लीट हो गया सारा। तो मैंने जितना भी ब्राउन ब्लैक टाइप से हो गया उसको मैंने साइड कर दिया और घी खुद ब खुद निकल आया है। अब हम इसको अब ट्रांसफ़र करेंगे जार में जो कि शीशे का जार है, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा इसमें वो आ जाएगा, इसलिए मैं इसको छन्नी रख के डालूँगी। छन्नी से सारा जो गंदा है जो एक्स्ट्रा जो आ जाएगा उसमें तो उसमें रह जाएगा, सिर्फ प्योर घी ही जार में जाएगा। तो देख सकते हैं मैं इसमें छन्नी यूज कर रही हूँ और छन्नी से डाल रही हूँ मैं इसमें, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ कि अच्छे से सारा उसमें हो जाए। तो देख सकते हैं कैसे भी एक घर में होम मेड घी कैसे रेडी करते हैं। ये हमारा होम मेड घी होगा और बहुत ही ईजी वे में बनता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। ठीक है, मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल AK ब्लॉग।